हेलो गाइस, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ई लर्नर। गेट लाइफ साइंसेस के केमिस्ट्री पोर्शन को बहुत ही ज्यादा आसान और स्कोरिंग बनाने के लिए मैं आया हूं, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सोनक सिन्हा बाबू। ये कुछ बातें हैं मेरे बारे में और मैं इन ए नटशेल आपको टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा और हम मिलकर सीखेंगे केमिस्ट्री के इस सब्जेक्ट को और गेट एक्सेल के प्रिपरेशन को हर स्टेप पे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते चलेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। हाय, वेलकम बैक, पार्ट थ्री हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी का और इसमें हम डेडिकेटेडली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें PYQs और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ इन्वॉल्व है। बहुत हाई एनर्जी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लीज पेन पेपर लेके बैठ जाइए। और जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जब भी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको पहले पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, उसके बाद ही आप ये सोल्यूशन देखोगे, ठीक है। पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं एक बार फिर से देख लीजिए और अब चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए, शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट का रिकैप अगर जल्दी से मैं करा दूं थोड़ा सा आपको कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो साइक्लिक होते हैं उनमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हर एक एटम होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपरली रेजोनेंस का सिस्टम होना चाहिए और हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है कि वो साइक्लिक, ये पहले तीन क्राइटेरिया तो एक्जैक्टली फॉलो कर रहा है, चौथा क्राइटेरिया में क्या है, डीलोकलाइजेशन यहां पे भी होता है, बट यही बात है कि इसका डीलोकलाइजेशन सिस्टम का एनर्जी को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी अनस्टेबल बनाता है, ठीक है। और जो हमारा एरोमेटिक है वो उस चीज को, सिस्टम को स्टेबल बनाता है। हकल्स रूल, एरोमेटिक के केस में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एंटी एरोमेटिक के केस में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन एरोमेटिक के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं, देखिए नॉन एरोमेटिक के बारे में बताने की कोई बात नहीं है, अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया वायलेट हुआ, मान लीजिए साइक्लिक नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक, अगर कोई भी एटम आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड दिख गया तो फिर नॉन एरोमेटिक, अगर आपका कंपाउंड किसी कारण से प्लेनर नहीं रहा नॉन एरोमेटिक, डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है नॉन एरोमेटिक, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, मतलब इन सब को फॉलो करते हुए हकल्स रूल फॉलो कर रहा है तो जाके एरोमेटिक होगा, ठीक है। इनमें से कोई भी एक रूल अगर वायलेट हो गया तो फिर उसे आप नॉन एरोमेटिक के डस्टबिन में डाल दोगे, सही है। रिकैप हो गया, क्वेश्चन पे आते हैं, ये था आपका ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं जल्दी से, आप वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है। चलिए पहला अगर मैं देखूं ऑप्शन ए में हमें क्या दिख रहा है कि यहां पे सारे जो है यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑब्वियसली मैं येलो कलर से दिखाऊंगा sp2 को, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सारे हैं, प्लेनर है, सब कुछ है, अच्छा डायरेक्टली हकल्स रूल अप्लाई करते हैं, हकल्स रूल, ठीक है, दिस इज योर ऑप्शन ए। हकल्स रूल जैसे ही मैंने अप्लाई किया यहां पे, हम क्या देखें यहां पे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना यानी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये 4n पाई के फॉर्मूला में बैठता है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक हो गया, यानी ये एरोमेटिक नहीं है। बी को देखते हैं, बी आपको डायरेक्टली दिख गया यहां पे कि बी में एक ऐसा एटम है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जैसे ही हमें पता चला कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं रहेगा, ठीक है। सी को देखते हैं, सी के केस में अगर हम देखें कि यहां पे प्लस चार्ज है, ये वाला एटम तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ही, ठीक है, सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, और यहां पे अगर हकल्स रूल लगाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4 × 0 + 2, यानी ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं डी, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी को आपको एक स्पेशल केस है उसको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन डी जो है ना वो इस तरीके से रहता ही नहीं है, पहली बात तो वो एक्चुअली आपको, क्योंकि बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है और मतलब ऑब्वियसली 8 मेंबर रिंग है, तो क्या हो जाता है ये ना पकड़ हो जाता है, उठ जाता है ऐसे, तो इस चीज को हम बोलते हैं टब शेप्ड, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ टब शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और टब शेप्ड होने की वजह से ये प्लेनर नहीं रहता, और क्योंकि ये प्लेनर नहीं रहता देयरफॉर इसे हम डायरेक्टली फेंक देंगे डस्टबिन में, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, यानी हमें पता चल गया कि यहां पे हमारा एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, सी, ठीक है, क्योंकि हकल्स रूल को प्रॉपरली फॉलो किया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ओनली सी इज एरोमेटिक। अब चलिए बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सबको फटाफट हम देखते जाएंगे और बताते जाएंगे एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब यहां पे हमें दिख गया डायरेक्टली कि भाई ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसे ही दिखा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 है, तो sp3 होते साथ हम इसे क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉन एरोमेटिक, बात ही नहीं करना है इसके बारे में,
अगला अगर हम देखें, देखिए एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि ऐसे अगर माइनस लिखा हो ना, इसका मतलब होता है कि लोन पेयर विद अ नेगेटिव चार्ज, और लोन पेयर मतलब क्या, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इस तरीके से इसको जोड़ोगे। ठीक है, यहां पे हम क्या बोलेंगे कि यहां पे आपके पास 2+2 टोटल आपके पास 4π इलेक्ट्रॉन्स है, 4π इलेक्ट्रॉन्स मतलब आप बोलोगे ये है एंटी एरोमेटिक, हकल्स रूल यहां पे लगा रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे क्राइटेरिया यहां पे भी फॉलो हो रहे हैं, यहां पे आपके पास सिर्फ 2π इलेक्ट्रॉन्स है, 2π इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या लिख सकते हो, 4×0+2, यानी दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। अगले वाले में देखते हैं, बाकी सारे क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं, हकल्स रूल लगाते हैं, हकल्स रूल में हम क्या देखेंगे कि यहां पे टोटल 2π इलेक्ट्रॉन्स है, और 2π इलेक्ट्रॉन्स का होना यानी 4×0+2, सिमिलरली ये भी एरोमेटिक होगा। लास्ट वाला देखते हैं यहां पे क्या है, देखिए यहां पे 2π इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे 2π इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो गए, 6π इलेक्ट्रॉन्स, 6π इलेक्ट्रॉन्स को लिख सकते हैं 4×1+2, यानी ये भी एरोमेटिक। सही है, मजा आ रहा है ना। अब यहां पे देखते हैं, देखिए डायरेक्टली यहां पे दिख गया कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जैसे ही अगले वाले में भी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली बोलेंगे कि दिस इज नॉन एरोमेटिक, दिस इज आल्सो नॉन एरोमेटिक, कंसीडर ही नहीं करना है आगे। अगले वाले को देखते हैं, यहां पे 2π 2π 2π, यानी टोटल 6π इलेक्ट्रॉन्स, और 6π इलेक्ट्रॉन्स का होना अब हमें पता है, इसका मतलब दिस इज एरोमेटिक। अगले वाले में देखते हैं क्या है, टोटल 4π इलेक्ट्रॉन्स है, 4π इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एंटी एरोमेटिक, डायरेक्टली बता दे रहे हम लोग, है ना। अगला वाला जो है ये बड़ा अच्छा केस है, यहां पे क्या होता है ना, बोरॉन जो है, बोरॉन के पास आपके पास क्या होता है कि एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि बोरॉन वैसे भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, ठीक है, ऑक्टेट पूरा नहीं होता उसका, तो इसीलिए ये वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, और वेकेंट पी ऑर्बिटल तो जहां प्लस चार्ज होता है वहां पे भी होता है। ठीक है, सिमिलर सा केस है, बस यहां पे हेटेरो एटम है, तो यहां पे बाकी सारे क्राइटेरिया फॉलो होंगे, सिर्फ आपको हकल्स रूल लगाना है, और हकल्स रूल के हिसाब से यहां पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4π इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये एक एमसीक्यू है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक होता है। ठीक है, फटाफट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ए बी सी डी, स्ट्रक्चर पहले सीखते हैं, साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कैटायन, तो पहले साइक्लोहेक्सेन बनाइए। ठीक है, अगले वाले में क्या, साइक्लोहेप्टा मतलब साइक्लोहेप्टेन बनाएंगे सबसे पहले हम, 7-membered, साइक्लोपेंटाडाइनाइल इस तरीके से, और आप यहां पे साइक्लोप्रोपाइल, देखिए साइक्लोप्रोपाइल बोला है डी में। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या क्राइटेरिया ही फॉलो नहीं हो रहा है, ये sp3 दिख गया ना आपको, बस इसको कंसिडर ही नहीं करना है, डायरेक्टली बोलोगे आप क्या, दिस इज नॉन एरोमेटिक। अगला देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है, साइक्लोहेक्साडाइनाइल मतलब ये है, साइक्लोहेक्सा दो इन है और एक कैटायन है, यहां रेजोनेंस तो हो रहा है, बट ये दिख गया क्या, ये आपका sp3 दिख गया, यहां पे भी आपको sp3 दिखा था, और जहां sp3 दिखे मैंने क्या बोला था, अब डायरेक्टली बोलोगे वो नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि प्लेनर ही नहीं होगा। नेक्स्ट वाले का स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल, ट्राइनाइल इस तरीके से, और यहां पे कैटायन, इसको हम लोग ट्रोपिलियम आयन बोलते हैं, कॉमन नेम है, ठीक है, ट्रोपिलियम आयन। तो ये जो है हमारा, इसमें हम देखते हैं सारे क्राइटेरिया तो ये फॉलो कर रहा है, अब चुपचाप हकल रूल लगाना है, सारे sp2 है, प्लेनर है, सब कुछ है, यहां पे हमें क्या लगाना है, हकल्स रूल, हकल्स रूल अगर हम लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, टोटल कितने हैं, 6π इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है कि 6π इलेक्ट्रॉन्स को 4×1+2 लिख सकते हैं, यानी दिस फॉलोज हकल्स रूल एंड दिस इज एरोमेटिक। अगले वाले में क्या फॉल्ट है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन, बाकी सारे क्राइटेरिया तो फॉलो कर रहा है, बट हकल्स रूल जैसे ही लगाएंगे हम यहां पे, यहां हमें दिख रहा है 4π इलेक्ट्रॉन्स, और 4π इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एंटी एरोमेटिक। ठीक है, देयरफॉर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन, यानी बी। इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, आपको ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हमेशा एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी का यही ऑर्डर है। ठीक है, ये आपको दिमाग में एकदम फिट कर लेना है, मैंने पहले भी बताया था। अब इधर देखिए, अगर मैं ए में बताऊं, मैं स्ट्रक्चर्स वापस ड्रॉ नहीं कर रहा, आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ए सी और बी को मैं देखता हूं, पहला वाला क्या है, पहले वाले में आपके पास 2π इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे प्लेनर है, सारे क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, बस आपको यहां पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखना, हकल्स रूल लगाना है।
यहां पे कितने हो रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एंटी एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से स्टेबल दिया हुआ है, लो यही आपका आंसर है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन बाकी सबको भी जानना जरूरी है कि बाकी सब गलत क्यों है, ठीक है। अगले वाले में देखते हैं, यहां पे हमें बताया दिया गया है कि देखिए ये वाला जो आपका है इसमें आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगले वाले में आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एंटी एरोमेटिक, 6 पाई मतलब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल कभी नहीं हो सकता, रॉन्ग, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है ये वाला, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एंटी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल दिया हुआ है, ये भी गलत, सिर्फ ए सही है और ऑब्वियसली ऑल आर करेक्ट तो हो ही नहीं सकता, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हो गए, सिर्फ ए करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, डायरेक्टली आपको दिख गया ये नॉन साइक्लिक है और यहां पे sp3 है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और ये वाला जो है ये तो आपका साइक्लिक ही नहीं है, ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये वाला जो है इसको हमने पहले ही देख लिया था कि इसमें इस तरीके से क्या होता है, टब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट, ये हो जाता है आपका टब शेप्ड, और टब शेप्ड होने के वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लेनर नहीं रहेगा, और प्लेनर नहीं रहने के वजह से क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, तो एरोमेटिक आपके पास सिर्फ एक ही बचता है, ठीक है, दिस इज योर ओनली एरोमेटिक कंपाउंड, जहां पे आपको ये देखकर कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक रिंग को देखना है, ठीक है, क्योंकि फ्यूज नहीं है रिंग्स, यहां पे आपको एक ही रिंग को देखना है, और एक रिंग को आपको पता है कि ये बेंजीन है, और बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एरोमेटिक होता है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा फाइनल क्वेश्चन आज के लिए, और आगे भी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। ये क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, देखिए पहले तो हम सारे स्ट्रक्चर्स को फटाफट ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, यहां पे देखिए ये फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है, फ्यूज्ड रिंग सिस्टम जो होते हैं ना, फ्यूज्ड रिंग सिस्टम में आप क्या करोगे, टोटल काउंट कर लोगे, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्राइटेरिया को तो ये ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हकल्स रूल लगा रहे हैं यहां पे, हकल्स रूल में हम देखेंगे कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 + 2 + 2 + 2 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दिस फॉलोज हकल्स रूल, दिस इज एरोमेटिक, ये मेरा एरोमेटिक है। अगला देखते हैं, अगले वाले में अगर हम देखें कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो हम मान सकते हैं कि आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कार्बन कहां जाएगा, ठीक है, दिस इज sp3, और sp3 जैसे ही हो गया वैसे ही ये हमारा नॉन एरोमेटिक, तभी के तभी आप इसे नॉन एरोमेटिक बोल दोगे और ये कैंसिल कर दोगे, एरोमेटिक नहीं है, रॉन्ग, ठीक है। तो जहां जहां 2 ऑप्शन था उसको काट दो, उसको काट दो, सीधा आपको आंसर मिल गया क्या, 1 और 4 विल बी द करेक्ट आंसर, इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, बट कोई नहीं, हम लॉन्ग वे जाएंगे। अगला, ये अब तो आप पहचान चुके हो कि ये इस तरीके से होता ही नहीं है, ये टब शेप्ड होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, टब शेप्ड होता है, और इसलिए ऑब्वियसली ये नॉन एरोमेटिक होगा, यानी 3 भी आपका कट गया। फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ को भी आप अब पहचानने लगे हो, फोर्थ क्या है, फोर्थ इज नथिंग बट योर साइक्लो हेप्टा ट्राइनाइल, ठीक है, साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कैटायन, ये है आपका, ठीक है। तो इस वाले में आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आपको पता है कि यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑब्वियसली बेंजीन जैसा है, और 4 × 1 + 2 के फॉर्मूला में फिट होता है, एंड देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, यानी आपका 1 एरोमेटिक है और 4 एरोमेटिक है, इसीलिए ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस हासिल कर चुके होंगे। आगे हम हमारे कोर्स में E-Learnum के प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बेसिक आपको सीख के ही आना है, वहां हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ, और ढेर सारा प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।